हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर अभी शाम के 7 बज गए हैं। आज का ब्लॉग जो है 7 से 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और बाहर हो रही है एकदम बढ़िया वाली बारिश। और बारिश में इनको खाने का मन कर रहा है, आलू की पूरी, आलू की सब्जी और पूरी रसे वाली सब्जी बनानी है और पूरी बनानी है। अभी अभी आए हैं ये, 7:15 बजे घर पर आ गए हैं और उनको खाने में आज उनका मन कर रहा था पूरी भाजी खाने का। वैसे वो बोलते नहीं कभी कि मुझे ये खाना है या वो खाना है, ये बना वो बना, कुछ भी नहीं बोलते। वो जो बनाती हो ना वो खा लेते हैं। उनका ना कभी नहीं होता है कि उनको कुछ खाने का मन कर रहा है या कुछ और बना दे या कुछ और बना दे। जो भी मैं बनाती हूँ ना, वो इतने साल हो गए, 20 साल हो गए शादी को, लेकिन कभी ऐसा नहीं करते कि ये नहीं खाना है। मतलब कुछ चीज़ें हैं उनको पसंद नहीं आती है ना, तो वो मैं बनाती भी नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं उनका कि आज पकौड़े बना दे या आज वड़े बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं उनका, या हलवा बना दे। जो बनाती हूँ ना मैं, वही खाते हैं वो। और ज़्यादा वो पूरी भी नहीं खाते हैं। पूरी जब मैं बनाती हूँ ना घर पे, तो उनके लिए मुझे रोटी अलग से बनानी पड़ती है, फलके वगैरह। पूरी खाते नहीं हो, लेकिन आज पता नहीं कैसे मन कर रहा था उनका। तो यहाँ देखिए, सब्जी मेरी फ्राई हो गई है, बन गई है सब्जी और ये खाना भी खा रहे हैं। बीच में क्या होना, ऋषभ ने मोबाइल लेकर गया ट्राईपॉड में से निकाल कर, इसलिए फिर सब्जी का जो शूट है ना मैंने नहीं किया, बस सिंपल सब्जी रस्सी वाली बनाई है और यहाँ पर वो खा रहे हैं। और यहाँ पर ऋषभ भी बोल रहा था कि मुझे भी खानी है तो हाथ से खाऊंगा, तो फिर यहाँ पर उसको भी प्लेट ला कर रख दी और वो भी खा रहे हैं और साथ में खुशी भी खा रही है। आज ना बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है ना, तो सभी साथ में बैठ गए हैं, खुशी, ऋषभ और ये भी तीनों साथ में खाना खा रहे हैं और मुझे भी बोल रहे थे। लेकिन एक साथ सब भी बैठ गए ना तो फिर पूरी कौन तलेगा, तो फिर मैंने कहा आप खा लीजिए, मैं खा लूँगी बाद में। और एक साथ सभी बैठ गए ना तो सबको गर्म गर्म पूरी भाजी बहुत पसंद आ रही है, सब खा रहे हैं। और ये तो इतनी पूरी खा गए आज, आज तो उन्होंने 10 से 12 पूरी खा गए। वो कभी नहीं खाते, वो 2-3 जो फल के होते हैं ना तो बस वही खाते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं खाते हैं खाने में। और आज तो मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बनाती जा रही हूँ और वो खाते जा रहे हैं। और पूरियाँ भी ना मैं अच्छे एकदम ब्राउन ब्राउन तलती हूँ, एकदम वैसे व्हाइट पूरी नहीं रहने देती हूँ, अच्छे से तलती हूँ उसको। अच्छे से तलते हैं ना तभी पूरी अच्छे से पकती है, नहीं तो फिर थोड़े अंदर से कच्ची रह जाती है। तो अच्छे से मैं अच्छे से लाल लाल पूरी तल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूरियाँ तलना होगी मेरी, ये ना आज बहुत सारी पूरियाँ खा गए हैं, सारा आटा इन्होंने आज ख़त्म कर दिया है। मेरे लिए दो ही पूरी बची है अभी, तो फिर मेरा हो जाता है वो पूरी और थोड़े चावल है तो मैं वो खाऊंगी, मेरा हो जाएगा उसमें। लेकिन आटा तो पूरा ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर देखिए सभी का खाना हो गया है और यहाँ पर बज गए हैं 9, खाना पीना हुआ, कुछ बातें हुई, थोड़ा बैठे थे तो यहाँ पर 9 बज गए। और अभी यहाँ पर कर लेती हूँ किचन की सफाई। और यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, गर्म पानी करूँगी और जो किचन के सारे कपड़े हैं ना उसको भिगा के रख दूँगी। जब तक जो किचन काउंटर जो है ना साफ़ होता है तब तक कपड़े भीगते रहेंगे, तो बाद में धो लूँगी और रात भर सूखते रहेंगे वो, क्योंकि दिन में धो या रात में धो सुखाने तो पंखे के नीचे ही पड़ रहे हैं कपड़े सारे, पूरे कपड़े पंखे के नीचे सूख रहे हैं। 8 दिन हो गए हैं, बिल्कुल धूप का जो है ना नामो निशान नहीं है, सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं 8 दिनों से। तो देखिए यहाँ पर कपड़े भिगा दिए हैं मैंने और जो सारे बर्तन है ना तो बाहर रख दूंगी, जो मौसी को धोने हैं वो, और बाकी के जो मुझे धोने हैं तो मैं धो लेती हूँ। जो भी यूज़ करती हूँ ना बर्तन में, सरसी हो गया, सारे जो यूज़ करती हूँ चिमटा वगैरह सभी कुछ मैं साफ़ कर लेती हूँ। चाकू जो भी यूज़ करती हूँ ना, तो जिसको भी हाथ लगाती हूँ तेल के इसके, तो सभी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और कपड़े भी धो लिए यहाँ पर और काउंटर जो है ना साफ़ कर लेती हूँ, काउंटर को भी अच्छे से पहले जो डिशवॉश होता है ना उससे अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ और उसके बाद ना लास्ट में एक बार सूखे कपड़े से ज़रूर साफ़ करती हूँ। सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ ना तो पूरा काउंटर टॉप और जो गैस है ना पूरा अच्छे से चमक जाता है, एकदम साफ़ हो जाता है। और सूखा करना भी ज़रूरी होता है काउंटर को, तो रात में एकदम सूखा हो जाता है, फिर सूखे कपड़े से एक बार पोंछ लेती हूँ ना रात में, तो एकदम सूखा सूखा काउंटर हो जाता है मेरा। तो देखिए यहाँ पर सूखे कपड़े से पोंछते ही ना सारे काउंटर पर ना अच्छे से चमक आ गई है। अब सुबह सुबह उठकर किचन में आऊँगी ना तो इतना फ्रेश लगता है और काम करने का भी उत्साह आता है। और यहाँ पर देखिए सुबह हो गई है, रात में क्या हुआ ना लाइट बार बार जा रही थी ना, तो फिर बाद में भी लाइट चली गई थी तो फिर सभी सो गए थे वैसे ही, और बारिश हो रही है ना तो लाइट भी बहुत बार जा रही है तो सभी सो गए, फिर कुछ भी नहीं किया मैंने। और अभी ये सुबह का टाइम है, सारे कपड़े वगैरह मैंने जमा कर लिए, सारे जो सूख गए थे वो निकाल लिए और जो नहीं सूखे ना तो उसको जमा कर लिया है अभी, उसको थोड़ा फैला दूंगी फिर से। और यहाँ पर सुबह की झाड़ू लगा लेती हूँ, सुबह की झाड़ू ये, और यहाँ पर टाइम हो गया है 7:15 हो गए हैं। ज़्यादा जल्दी नहीं उठ रही हूँ आजकल क्योंकि बाहर के कुछ भी काम नहीं है, बारिश चल रही है तो एक्स्ट्रा के भी कुछ काम नहीं कर सकते, तो उठने का भी उतना लग नहीं रहा है कि ज़रूरत की जल्दी उठना है तो। लेकिन 6:30 तक 7:15 तक उठ जा रही हूँ और इतना लेट नहीं सोती हूँ कभी मैं, इस बार ऐसा हो रहा है कि इतना लेट में उठ रही हूँ, नहीं तो 5:30 से ऊपर में 5:30, 6:30 और 6 इतने टाइम तक मैं उठ ही जाती हूँ हमेशा। और मैं उठूँ या ना उठूँ ऋषभ उठ जाता है, उसको तो सबसे पहले उठना, मेरे पहले उठ जाता है कभी कभी, तो वो मेरे बाद तो उठता ही है, कभी कभी तो मेरे पहले भी उठ जाता है।
तो देखिए यहाँ पर झाड़ू लग गई है मेरी, पूरे घर को झाड़ू लगा दी मैंने। खुशी भी सोई है रूम में और ये भी सोए हैं, लेकिन फिर जैसे तैसे मैंने इधर उधर से करके झाड़ू लगा ली और पोछा भी लगा लेती हूँ इधर उधर करके, क्योंकि फिर बाद में सफाई करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आज क्या है ना, गुरु पूर्णिमा है और अखाड़ी बोलते हैं ना, तो अखाड़ी का भी त्यौहार है, तो फिर साफ सफाई सुबह सुबह हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। तो मावशी आते हैं ना, तो मावशी भी दोपहर में पोछते हैं, तो त्यौहार के दिन जितनी जल्दी साफ सफाई हो जाती है ना तो उतना ही अच्छा लगता है और त्यौहार जैसा लगता भी है। यूँ ना सफाई पोछा वगैरह दोपहर में होता है ना तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन फिर कुछ होता है ना त्यौहार वगैरह तो सुबह सुबह ही मैं पोछा लगा लेती हूँ, सारे घर के सुबह सुबह ही सफाई कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ, फिर बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे घर का मेरा पोछा लग गया है और लास्ट में हॉल का लगा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा सफाई सुबह की सभी कुछ हो गई है और सुबह सुबह साफ सफाई हो जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हो नहीं पाती है रोज़ रोज़, कभी दूसरे काम करने पड़ते हैं ना तो नहीं हो पाता है, लेकिन सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो इतना अच्छा लगता है मन को। तो चलिए सफाई के काम सारे मेरे हो गए, झाड़ू पोछा और बाथरूम वगैरह की सफाई, बेसिन वगैरह सभी को मैंने अब साफ़ कर लिया है और अब नहा लेती हूँ और फिर बाद में सीधा फिर किचन में जाना है और खुशी के लिए नाश्ता वगैरह बनाना है। और यहाँ पे ना 7:30 बज गए हैं, अब खुशी भी उठ जाएगी और ये भी उठ जाएंगे, दोनों साथ में उठ जाते हैं क्योंकि खुशी को ले जाकर छोड़ना होता है इनको, तो साथ में ही उठ जाते हैं दोनों। तो फ्रेंड वीडियो ये पे रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।